इधर महंगाई बढ़ा रहा है, उधर पैसे दे रहा है 1000 रुपए और क्या। इतनी महंगाई हो गई गैस देखो, 1100 भर रही, 1100 उनको टिकट नहीं मिली। दिव्य दुबे जी, विधायक ऐसा हो कि वो समय समय पे सब घर आए, सबकी वो करे। मध्य प्रदेश के सियासी गढ़ छिंदवाड़ा से तकरीबन 30 किलोमीटर दक्षिण में एक कस्बा है चांद। इस कस्बे से भी 20 किलोमीटर अंदर एक गांव पड़ता है हरनाखेड़ी। अमरउजाला.com मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान इस गांव के ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए पहुंची, यहां लोगों से बातचीत की, यहां के लोगों से जमीनी हकीकत जानी और हरनाखेड़ी के गांव के लोगों के आखिरकार क्या मुद्दे हैं वो भी जानने की कोशिश की। कौन कौन सी कमियां हैं आपको लगती है वो कमियां दूर होनी चाहिए? बहुत कमियां हैं हमारे यहाँ। क्या क्या है बताइए जरा। और कितनी महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है हाँ, तो महंगाई में तो हो रहा सब कुछ जेत। अच्छा, तो आपको लगता है ये महंगाई बढ़ रही है तो ये आने वाले चुनाव में उसका बढ़ रही है। वो जो पैसा हमको दे रहा है वो हमें से लेके दे रहा है। इधर महंगाई बढ़ा रहा है, उधर पैसा दे रहा है 1000 रुपए और क्या। तो उसका कोई आपको फायदा नजर नहीं आ रहा है, मतलब आपको लगता है कि आपसे ले लिया और आपको दे दिया और क्या। महंगाई कितनी महंगाई हो गई गैस देखो, ये 1100 भर रही, 1100। तो अब तो विधानसभा का जब चुनाव होगा तो उसमें फिर आप लोग क्या करेंगे, वोट तो देने जाएंगे ही? हाँ जाएंगे ना। अच्छा, देंगे हमारे एरिया में जो आएगा उसको देंगे। तभी आपके यहाँ से कौन है विधायक, पता है आपको? नहीं सुजीत, तो उन्होंने काम वम किया होगा यहाँ पे कुछ? आते नहीं कभी, पूछते नहीं आके। कौन सी पार्टी के हैं वो? कांग्रेस को, कांग्रेस पार्टी की। तो वो आते नहीं है क्या? अभी आते ना कभी। हम जब इस गांव में आगे बढ़े तो हमारी मुलाकात हुई रामा देवी से। जब उनसे मुलाकात हुई तो वो भड़कते हुए कहने लगी कि गैस के सिलेंडर का दाम इतना महंगा हो गया है कि खरीद नहीं पाते। मेरे पति विकलांग है लेकिन उनको ट्राईसाइकिल तो दूर, हाथ में लेकर चलने वाली छड़ी तक नहीं मिल पाई। आप बताइए, इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में क्या होने वाला है? आप लोग वोट तो देने जाते हैं? हाँ, जाते तो हैं। सरकार वापस आ रही है या सरकार कोई और आ रही है? बाद में बताएंगे, अभी तो कुछ मतलब नहीं। आपने मन में सोचा कुछ है? नहीं नहीं, कुछ सोच लिया होगा। कुछ नहीं सोचे हैं। तो वोट तो देने जाएंगे आप? वो तो देंगे वोट, इस बार तो हमारे 3 वोट है। अच्छा हाँ? लेकिन आप ये सब जो बात कर रही थी, देखो आप एक बात कर रही हो महंगाई बहुत है हाँ। लेकिन आपको घर भी मिल गया है? हाँ, वो सब तो मिल गया ठीक है, लेकिन अपना छोटा सा धंधा, आदमी हमारे विकलाल है, कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो उसके लिए फिर कुछ मिल रहा है गवर्नमेंट से? अभी नहीं मिल रहा है उनको, कहा कुछ भी नहीं मिला, ना साइकिल मिली ना कुछ मिली। यहाँ बड़े बड़े लोग जो है वो और छोटे लोग को दवा देते हैं। अच्छा, वो चीजें नहीं मिलती? वो चीज नहीं मिलती है। अभी इनको हाथ की वो लकड़ी पकड़ने के लिए बोले हैं हाँ। तो वो भी नहीं मिली है। अच्छा, जो चलने के सहारे के लिए चलने हाँ, वाली होती वो भी वो नहीं, लकड़ी पकड़े आप देखो ना जरा। तो आपको वो अभी तक नहीं मिली है? नहीं मिली, कब से नहीं मिली है, बहुत दिन हो गए। जब इतनी छोटी सी मदद के लिए सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो धक्के के सिवा कुछ नहीं मिलता। वो आगे ये भी कहती है कि अब क्या करें, लेकिन अब तो विधानसभा के चुनाव है। 5 साल उनका वक्त होता है लेकिन असली वक्त तो अब हमारा आया है। अब हम हमारी वोट की ताकत दिखाएंगे। इसी दौरान हम इस गांव में और आगे बढ़ते हैं और महिलाओं से बात करते हैं। इन महिलाओं से बात करने के दौरान उनका क्या कुछ कहना था, उनके मुद्दे क्या थे, आइए आपको सुनाते हैं। विधायक ऐसा हो कि वो समय समय पे सब घर आए, सबकी वो करे हाँ। जो विधायक थे शर्मा जी, तो उनको टिकट नहीं मिली। दिव्य दुबे जी हाँ। जब वो टिकट नहीं मांगने का टाइम रहता उनका, तब आते नहीं, वैसे नहीं आते। अच्छा, वैसे नहीं आते थे? दुबे जी ऐसे है की घरों घर आते, वक्त जरूरत पे काम पड़ते, सब कुछ करते, टिकट नहीं मिलती। किससे नाराज है जनता? सब पार्टी वालों से, कि उनको देवी जी को टिकट मिलना। कौन सी पार्टी, भाजपा कांग्रेस? उनसे नाराज हो गई कि लोगों के जो घर हैं हाँ। वो बन रहे हैं, बड़े सरकारी घर लोगों को, मतलब मोदी जी के जो योजना है उस पे बड़े घर बन गए लोगों हाँ, के हाँ। है ना, बन रहे हैं। लेकिन महंगाई का इश्यू लग रहा है आपको, नहीं लग रहा है? जैसे अभी वो मैडम बता रही थी कि महंगाई है। देखो, अब महंगाई तो रहेगी ना, दाना भी तो महंगा हो रहा है भैया। कब पहले 10 रुपए पाई है, तो अब तो 20 रुपए पाई हो रहा है, तो महंगाई तो हो नहीं है हर एक चीज में। तो उस हिसाब से आमदनी हो रही है? काहे नहीं हो रही, सबकी हो रही। उम्मीद है ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। मध्य प्रदेश चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ अमर उजाला। अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।